हेलो। तो आज मैं आप लोगों को किस प्रकार से जो हम लोग को डायरेक्टरेट से जो नोटिस आया है कि हम लोग को वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमें वीडियो बनाना है। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मटेरियल्स। ओके, जो मटेरियल जिस पर भी टॉपिक पर हम लोग मटेरियल्स बना रहे हैं वो मटेरियल्स आपके पास होना चाहिए। उसको आप लोग सबसे पहले क्या करिए, जो कुछ नॉर्म्स आए हुए हैं, जो AKTU की तरफ से कुछ नॉर्म्स टाइप आए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि आप लोग क्या करेंगे कि जो स्लाइड्स बनाएंगे वो स्लाइड्स में क्या करना है कि उनको जो फॉन्ट होगा वो आप यूज करिए जिस प्रकार से जैसे 44 का बनाया बताया गया, 44 का हेडिंग होनी चाहिए, और जो भी जो अंदर का इंटीरियर मटेरियल होता है वो 22, 24, 28 तक रखा जा सकता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आपका टॉपिक होगा। इस बार मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो आप लोग क्या करिए उसको बड़े वे में रख सकते हैं, उसको 28 में रखा जा सकता है उसको। ठीक है, और जो हिंदी हो गया मंगल से यूज करिए ताकि उसका फॉन्ट चेंज ना हो सके। और आप लोग क्या करेंगे कि मटेरियल को जो भी कुछ मटेरियल होंगे वो हिंदी में रखिए। देखिए, आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आप लोग इंग्लिश से पीडीएफ बना रहे होंगे और उसको, या पीपीटी बना रहे, तो उसको आप लोग हिंदी में चेंज करिए। और हिंदी में चेंज करने के लिए क्या हुआ कि आप लोग गूगल इनपुट टूल्स में जाके आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा स्लाइड तो बनानी नहीं है, 10 to 12 स्लाइड बनाने के लिए हम लोग को बोला गया है, और जो भी स्लाइड्स होंगी वो आप हिंदी से टाइप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, यदि हम लोग कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत हमको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रेशर मत हुई है कि हमको हिंदी टाइपिंग करनी नहीं आती है। आप लोग गूगल इनपुट टूल्स पर जाकर आप उसको टाइपिंग कर सकते हैं इजी वे में, आप उसको वहां से कॉपी करके आप अपने पीपीटी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि सेकंड चीज की किस प्रकार से हमें क्या करना है, अपनी वीडियो को बनाना है। तो वीडियो बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल हो गया है, पहला हमको मटेरियल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास हमें लैपटॉप होना चाहिए जिसमें हम सब काम करेंगे, और तीसरा हमारा ये चीज है कि हमें उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, हमें किस किस नॉर्म से उसको काम करना है। ठीक है, और चौथा चीज ये है कि हम अब जब हमारा जब प्रिपेयर हो जाएगा, हमारा मटेरियल प्रिपेयर हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमको किस किस किसके थ्रू हम लोग अपने वीडियोस को बनाएंगे। ठीक है, तो जो वीडियोस बनाने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट जो निकल के आया है वो है जूम ऐप। ठीक है ना, तो जूम ऐप के द्वारा आपके पहले आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग उसको स्क्रीन को शेयर कर देंगे, जो भी आपके पास मटेरियल्स होगा, पीपीटी होगी, उसको आप शेयर करेंगे। तो शेयर करने के बाद क्या होगा कि वो आपके ना लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाएगी, और लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद आपकी जो फोटो होगी, आपकी जो स्क्रीन पर जो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो एक साइड में कॉर्नर, राइट या लेफ्ट, या राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर में अपने आप आ जाएगी। तो आप उसको सेट कर सकते हैं आप कहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो मटेरियल में इस प्रकार सेट करें कि उसको वो जो वीडियोज है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, यानी कि उस वीडियो के मैंने जो भी आपकी पिक आ रही है, जो भी वीडियो आ रही है, तो ये हो कि ना उसकी वजह से कोई भी मटेरियल कहीं छुप ना जाए। ठीक है ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना है, और कुछ एरिया छोड़ कर रखना है। जैसे 25% बोला गया है, तो ये 25% जो एरिया है एक्चुअली क्या है कि जहां पर भी कुछ ना आपको कैलकुलेशन दिखानी है तो वहां पर वो इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई कैलकुलेशन दिखाना है, कोई एग्जाम्पल थ्रू दिखाना है आपको अपने जो मार्कर, उसमें क्या होता है जूम ऐप में आपको मार्कर भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप उसमें मार्कर पिक कर सकते हैं और आपको नोटिफाई भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको यहाँ पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब ये है कि हमें एक अच्छा सा अच्छा वीडियो बना के भेजना है, और कि आगे कोई कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो उस वीडियो को मे भी कहीं पर यूज किया जा सकता है, नेवी ऑनलाइन पर या भारत स्किल्स पर यूज किया जा सकता है, जिस प्रकार से हम लोगों को लेटर्स मिल रहे हैं, तो यानी कि जैसे यदि उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा एम ये है कि मेरे वीडियोज के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, जितने भी इंस्ट्रक्टर हमारे भाई लोग हैं, कि इतना अपना पैनिक मत हो, बहुत इजी वे में काम करना है, जूम ऐप को इंस्टॉल करना है और जूम ऐप पर काम करिए। कुछ लोग OBS सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है उस पर काम कर सकते हैं। बट जो आपकी स्क्रीन पर है, जो लैपटॉप स्क्रीन है, जो प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी वो उस पर प्रॉपर दिखना चाहिए, और कोई मटेरियल कटना हो और जो कि फॉन्ट साइज है वो थोड़े बड़े बड़े हो, ताकि वो जो कि 44 का बताया जा रहा है कि 3 कलर यूज करने हैं, रेड, ब्लैक और ग्रे, रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर यूज करना है, तो आप उसको रेड कलर को हेडिंग भी कर दीजिए और ब्लैक कलर में अंदर इंटीरियर मटेरियल कर दीजिए, और जो कुछ ब्लू है जैसे कुछ हेडिंग पॉइंट्स है, कुछ मेन पॉइंट्स है, आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत इजी वे में काम कर सकते हैं। तो मैं छोटा सैंपल देना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, और किस प्रकार से हमें स्टार्टिंग में संबोधन करना है और कैसे अंत में संबोधन करना है, तो मैं आपको चीजों बताऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। नमस्कार, औद्योगिक परीक्षा संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्यों में अंकित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को अध्ययन कराने वाला हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके,
जिस प्रकार से हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे स्क्रीन पर आ रहा है इंट्रोडक्शन, तो अंग्रेजी में ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप, तथा मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता। ओके, तो जो अंग्रेजी में ऑटो का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है स्वयं या अपने आप। ओके, और मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता। तो इस प्रकार स्वयं की शक्ति उत्पन्न करके रोड पर चलने वाला वाहन जो सामान या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का कार्य करते हैं वह ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल वाहन कहलाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कब शुरुआत हुई, किस सन में ऑटोमोबाइल अपने स्टार्टिंग हुई। ओके, तो वर्ष 1760 यानी सन 1760 में निकोलस जोजफ ने सबसे पहले एक स्टीम इंजन से चलने वाले तीन पहिए की गाड़ी का आविष्कार किया, जो कि निकोलस जोजफ फ्रांस के रहने वाले थे। इसके बाद सन 1805 में इवन ने एक चार पहिए की गाड़ी बनाई। इसके बाद वर्ष 1885 से 1886 में डेमलर बेंजस ने, जो कि जर्मन के नागरिक थे, उन्होंने चार स्ट्रोक यानी कि फोर स्ट्रोक इंजन लगाकर गाड़ी बनाई। वर्ष यानी कि सन 1891 में फ्रांस की दो बड़ी कंपनियां रेनॉल्ट और पीगट ने भी मोटर गाड़ियां बनाई। वर्ष 1893 से 1895 में अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने भी फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में कब आई, क्योंकि अभी हमने जो बात करी वो मैंने वर्ल्ड लेवल की बात की थी, मैंने संसार के लेवल की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया लेवल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का क्या योगदान रहा, किस वर्ष में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इंडिया पर आई। तो देश को आजाद होने से पहले आप जानते हैं ब्रिटिश राज का उपनिवेश था, तथा उदासीनता के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकी। सन 1899 में पहली बार भारत में कारों का चलना शुरू हुआ। सन 1930 तक कुछ ही कारें विश्व से भारत में आयात होती रहीं। सन 1945 में दो भाइयों महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा CJ3A जो कि जीप का निर्माण किया, जो कि सार्वजनिक कारों के लिए तैयार की गई। सन 1947 के बाद भारत सरकार और प्राइवेट उद्योगपतियों ने वाहनों के पार्ट्स बनाने में जोड़ दिया। सन 1950 से 1960 के बीच राष्ट्रीयकरण की नीति आई गई और लाइसेंस राज के कारण प्रगति धीमी रही। सन 1970 में आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद उद्योगों की उन्नति हुई। तो इस प्रकार से हमने बताया आप लोगों को बच्चों की हिस्ट्री ऑफ ऑटो इंडस्ट्रीज। आज मैंने प्रसंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आप लोगों के लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।